हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो होली का ब्लॉग मैंने बनाया था पर मैं एडिट और पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके तुरंत ही नेक्स्ट डे ही मुझे फ़्लाइट के लिए पुल कर लिया था 6-7 दिन के लिए और मैं कल ही फ़्लाइट से आई हूँ। तो अब मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ तो आई होप आप ये ब्लॉग देखेंगे कि मैंने होली कैसे मनाई और मुझे बताइए कि आप सबने होली कैसे मनाई, क्या खाया और क्या क्या डेलिकेसीज बनती है आप सबके घर में, कमेंट बॉक्स में बता देना। और चलो आप ये ब्लॉग देख लो और फिर एक और ब्लॉग मैंने बनाया जो मैं लेवर के लिए गई थी, तो इस ब्लॉग के बाद वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी कल या परसों। तो एंजॉय द ब्लॉग। चैनल और आज है होलिका दहन और मम्मी गई हुई है नीचे काम से, लेकिन होलिका दहन के बाद मेरी मैम घर में मेरी बहन ने पूजा कर लिया था तो हम सब ने सोचा खाली एक दूसरे को टीका लगाएंगे और ये हाल है हमारा। और ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? जीजाजी ईशु के जीजाजी को, जिसको हमने नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन अभी साफ कर लिया है, हमारा साफ करना बाकी है। चलो अब कल नहीं कलर लगवाऊंगी मैं, जो लगवाना था आज लगवा लिया मैंने। मैं आज मैं पक्का कलर लाया नहीं। अच्छा चलिए पक्का नहीं, चलिए नॉर्मल वाले ही गुलाल तो मैं लाया ही नहीं। नहीं नहीं ये ऑर्गेनिक है। आया था आज। हाँ तो ये ऑर्गेनिक ही लाना। तो खुश किस्मत है। और एक्चुअली रूम में टेस्ट भी जा रहा है ना, तो फूल जैसा लग रहा है। वाला नहीं लाया हमने, सिल्वर कलर का। वो लाना भी नहीं है। चल बाय। बाय। कलर अभी जा रहा हूँ। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे कल। सुबह हो चुकी है और आज है रंग पंचमी। मैंने ये कल वाला ही कपड़ा पहना है क्योंकि मुझे और गंदा नहीं करना था कोई दूसरा कपड़ा। वैसे तो हम सुबह से उठे हुए थे और मम्मी को टीका लगाया, मम्मी ने भी होली होली खेली अपने फ्रेंड्स के साथ और अब मम्मी सो रही है, तो मम्मी का होली खेल के हो चुका है पर मैं और ईशु अभी बाकी है। मैंने अब तक कुछ ऐसा खास होली होली नहीं खेली है। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मम्मी ने बोला है पूरी सब्जी बना दो, मैंने सोचा छोले बना देती हूँ पर छोलों में कीड़े लग चुके हैं तो उसको धूप में रखना है। अभी हम खाली भी सूखा आलू होता है ना, इसे फ्राई करके बनाते हैं वो, और पूरी बना देंगे। मैंने तैयारी कर दी है और फिर देखते हैं अगर अंकित जी आए तो उनके साथ होली खेल लेंगे या और ईशु और मैं थोड़ा सा होली खेल लेंगे। दैट्स इट। लॉस की तरफ से घर पे होली के लिए ये फूल वाला हैप्पी होली का कुछ आया हुआ है पार्सल, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। है ये आया था यहाँ पे, एक्चुअली एक और कलर था पिंक कलर का पर वो हमने कल यूज़ कर लिया। इसमें ठंडाई है जो मैं ट्राई करूँगी बनाकर। और ये है माउथ फ्रेशनर, ये माउथ फ्रेशनर है, ये है चंदन और ये है ऑर्गेनिक कलर, ग्रीन कलर का ये। तो ये बना है तुलसी नीम को सुखा कर पीस कर, वैसे तो ऑर्गेनिक और फेस के लिए भी अच्छा होता है। मेरे मुंह में भी चला गया था कुछ कलर, लेकिन वो बिल्कुल मीठा और ठंडा लग रहा था, कुछ ऐसे केमिकल नहीं लग रहा था, तो इट वाज नाइस। तो अच्छा है कि केमिकल ना यूज़ करें और ऐसे इको फ्रेंडली कलर्स हम यूज़ करें तो स्किन के लिए भी अच्छा है और ज़्यादा कलर वलर लगता भी नहीं है फेस पर, होली भी मन जाती है। तो अभी हम जाते हैं, चलिए पूरी बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं। ब्लेंडर हो गया है, जो पूरी का आटा होता है वो थोड़ा कड़क गूंदा जाता है पर मुझसे गीला हो गया है तो अब मुझे आटा लगा के बेलना पड़ रहा है, पर ठीक है पूरी तो नॉर्मली बिल रही है, देखते हैं वो फूलती है कि नहीं। ये थोड़ा चैलेंज हो जाता है, पता नहीं मुझसे ना पूरी का आटा इतना कड़क नहीं हो पाता क्योंकि हैबिट है ना रोटी का आटा गूंदने की, तो ठीक है अभी देखते हैं कैसे बनती है। क्या
और आप देख सकते हो बहुत पसीना हो रहा है यहाँ पे, मेरा हाथ भी जल गया दिख रहा होगा तो ऐसे लाल लाल पूरा, पता नहीं कैसे ये हर बार जब भी मैं पूरी बनाती हूँ ना ये मेरा फियर होता है कि मैं जल जाऊंगी, और मैं जल जाती ही हूँ और इतना जल रहा है अपने उसको कोलगेट लगा लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। एक्चुअली हमारी जो हाउस हेल्प दीदी है ना वो भी आई हुई है और उनका बेटा आया हुआ है, सुबह से 3 बार होली खेल चुका है, 3 बार उसकी मम्मी उसको नहला चुकी है, जो उसकी जो बेबी आप मेरे वीडियोस में देखते रहते हो उसी की बात कर रही हूँ, तो उसका शक्ल दिखाती हूँ आपको। हैप्पी होली, हैप्पी दी होली, दिखाओ हैप्पी होली, नाक पे लग गया, किसने लगाया? दीदी ने हमेशा खुश रहो, आपकी जिंदगी कलरफुल हो जाए, ऐसे रंगों से भरी हो। तो मेरी पूरी बन चुकी है, मेरी पूरी मतलब आटे की पूरी बन चुकी है और सब्जी बन रही है, ये सब मैं निकालती हूँ अब। सुबह से काम करके फ्री हुई, अभी सब्जी बनी रही है, अब जाकर मैं ये चाय पी रही हूँ। गाइस नीचे आए हैं अंकित जी, थोड़ी सी होली खेल के बस मिलने आए हैं मुझसे, फोटो खिंचा ले और फिर ये चले जाएंगे अंधेरी अपने कजिन्स के पास। हमने सबने होली खेल ली है तो अब ये आ रहे हैं। क्या हुआ? हैप्पी होली बोलो मेरी ऑडियंस। नहीं चुपचाप लगवा लो, मेरे जो लगवाया लगाया है लगा लो, लगा लो, आओ आओ इधर आओ, आओ कलर लगाओ। मोंजोली का लग रही हो गाना गा, मेरी चाहते हैं। तो इस खेल ली हमने होली, मम्मी को भी लगा दिया इधर कलर। आई सो मम्मी के साथ इसी के साथ होली खेल ली है, तो अंकित ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि चलो अभिषेक के पास चलते हैं, क्योंकि घर पे काम भी था, बट फिर मैं मम्मी को पूछ के अब जा रही हूँ। पहले इन लोगों को वॉर्न किया है कि कोई पक्का कलर नहीं लगाएगा, ऑर्गेनिक यूज करेगा। तो अभिषेक और अंकित से हम मिल चुके हैं और उन्होंने कलर लगा दिया है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसको, तो स्टिंग और माजा माजा से नहलाया गया है, इतना स्मेल आ रहा है मीठा मीठा। और अब हम जा रहे हैं मुस्कान के पास, उससे थोड़ा सा होली खेलेंगे, फिर मेरी एक और फ्रेंड है उसके पास जाएंगे। मैं नहा चुकी हूँ और होली खेल ली। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट बताया था कि मैं मुस्कान के साथ होली खेलने जा रही हूँ, बट फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी उनके घर वालों के साथ। मैंने घर वालों के साथ जो होली खेली, मम्मी के साथ जो खेली और उनके साथ भी खेली, तो वो भी एक वीडियो है, वो भी डाल दूँगी मैं। और अभी शाम हो चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ बिल्कुल फ्रेश, और ऑर्गेनिक कलर का यही फ़ायदा होता है कि कितनी होली खेलने पर अपने फेस पे वो कलर भी आता है, सब कुछ निकल चुका है, हाथ से भी निकल चुका है। तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला कि शाम को खाना बाहर से आएगा, क्योंकि सुबह बना दिया था, तो कल कुछ मंगाएंगे और फिर बस, क्योंकि अभी तो अंकित जी नहीं मिलने वाले हैं, गए हैं अंधेरे, तो आएंगे रात में, रात को होली देंगे।